अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम नागपाड़ा। अल्तमस भाई के साथ में माशाल्लाह मुंबई के अंदर एक से एक बकरे दिखाते हैं अल्तमस भाई। इनका खुद का ब्रीडिंग सेटअप भी हैदराबादी का, उसके भी बच्चे सेल करते हैं और भी बकरी बकरे ला के सेट करके देते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे आप अल्तमस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्तमस भाई, आज स्टॉक थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, है जानवर है ज़्यादा थोड़े बहुत, है ना? हाँ, निकालना है आपको। माशाल्लाह, पूरी खटिया उठा देंगे ऐसा लगे। हाँ, बकरे हैं, बकरियाँ हैं, कुछ बकरियाँ ज़्यादा है इसमें। इसमें अपने ब्रीडिंग सेटअप का तो कुछ नहीं है ना? सब अपने ब्रीडिंग सेटअप का ही है, थोड़े बहुत बाहर का भी चलेगा। और सब सेट है यहाँ पर? सब सेट है, है ना? एक एक करके दिखाते हैं। हाँ भाई, जिसको जो समझ में आएगा आपको स्क्रीन शॉट भेजेंगे, आप बाकी डिटेल्स बता देना और ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना? जहाँ जहाँ ट्रेन जाती है दोस्तों, वहाँ वहाँ भेज देंगे। एक एक करके बकरे दिखा देते, ठीक है भाई? सबसे पहले आपको पहला बकरा दिखा रहे हैं हम लोग। ये कब से अपने पास भाई? अपने पास हो गया महीना भर, हो गया एक महीने से है। दो महीना होने आया, समझे? दो मतलब फुल सेट है, है ना? अनाज वगैरह हाँ, पे सेट हो गया ये अपने पास दो महीना। असल में अपने पास बकरियाँ ज़्यादा है, हाँ, तो दूध पिलाने के लिए लाए थे, समझे? तो ये दूध पी के अभी बड़ा हो गया है ये। मतलब ये बकरियों का दूध पिया है? अभी भी पीता है दूध, तो अच्छा फिट एंड फाइन हो गया। हाँ, ये कि अभी थोड़े दिन पहले बीमार हुआ था, अभी सेट हो गया, बीमारी से हट गया है, वैक्सीन सब हो गई, अभी लेके जाके सिर्फ शौक करना है। नस्ल में सोजत मानोगे? सोजत में है, गुजरी कलर है, लेकिन बच्चा सोजत में। अच्छे कलर का, लेंथ भी अच्छी है, मुंडा बच्चा है। वजन आएगा 28? हाँ भाई, जो भी है 25 पकड़ के चलो, इंशाल्लाह ऊपर ही आएगा। 25 तो बोल रहे पर इंशाल्लाह ज्यादा ही आएगा, है ना? हाँ हाँ, आप 25 ही मानो। मुंडा है, कान अच्छे है, चेहरा भी देख लो। ये कितने में देने का अल्तमस भाई? भाई अपने को 15,500 में देना। 15,500 में दोस्तों देना है, 15,500 मुंबई के कंडीशन में सेट है भाई। हर तरीके से बच्चा गोल है और दूध पी के सेट हुआ है, अभी जो है ना खाता पीता सब है, सही है। जैसा भाई बता रहे थे कि एक बार बीमार हुआ पर उसके बाद डबल हड्डी का बच्चा है, एकदम सेट है। तो जिस किसी भाई को चाहिए कॉन्टेक्ट कर सकता है अल्तमस भाई से। तो चलाओ अल्तमस भाई, जरा कलर देख लो आप, चलने की चाल भी अच्छी है उसकी। हाँ, पकड़ो तो दूध भी पी लेता है भाई। ऐसे ही मैं 3-3, 4-4 बकरी का दूध पिला के मजबूत किया। हाँ हाँ, इंसान मजबूत भी हो जाते हैं पीकर। एक्स्ट्रा कोई फीड नहीं है अभी तक, कोई एक्स्ट्रा फीड नहीं, जो सब जानवर खाते वही हरी पत्ती गेहूँ, हरी पत्ती घास गेहूँ, घास वास खाते हैं। सही है, फुल गोल हो गया, दो महीने से सेट है यहाँ पर। 15,000 रुपये बोले ना आपने? 15,500, 15,500 चलेगा। इसको बांध दो भाई और नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा देख रहे हैं हम लोग। कितनी हाइट होगी इसकी भाई? इसका 41 हाइट है। 41 कन्फर्म हाइट? हाँ कन्फर्म। व्हाइट एंड ब्लैक कलर का, ये आपने बाहर से मंगाया भाई? अपने लोग ने बाहर से मंगाए थे, अपने यहाँ सेट हो गया है, 4 दांत पे है, 41 हाइट है, और इसकी भी वैक्सीन हो गई है, और ये भी बीमार होके सही हो चुका है। वजन कितना आ जाएगा भाई? इसका वजन जब लाया था तब 62 kg था, अभी एकदम कन्फर्म नहीं है, तो 62-65 kg के अंदर ही होगा। तो होगा ही, बहुत बड़ा बकरा है, लेंथ का भी बहुत बड़ा बकरा है। 42 की हाइट आप बता रहे? 41 की हाइट है, 41 की कन्फर्म, 4 दांत का है। चले, 4 दांत पे ही अभी तो। हाँ, तो हाइट और भी बढ़ाएगा। हाँ, अंडुल बकरा है दोस्तों, पंच करके भी पाल सकते हैं आप लोग, खाने पीने में हर एक चीज में मस्त है। खाने पीने से भी सेट हो गया, गेहूं चुन्नी हरी पत्ती सब खा रहा है। ये कितने में देने का अपने को भाई? अपने को 32 में देने। सही है दोस्तों, 32,000, 32,000 रुपये मांग है, अच्छी चीज़ है। पंच करके छोड़ दो आप, अच्छा वेट गेन कर लेगा बकरा इतना इंशाल्लाह। तीसरा बकरा ले, बकरे के साइज की बकरी है। हाँ भाई, बहुत अच्छी बकरी है माशाल्लाह। ये शायद थोड़े टाइम से आपके पास? ये अपने पास टाइम से है भाई, ये मेरे दोस्त से लिया था, उसने पंजाब से मंगाया था, एक बच्चा डाली थी, बच्चा उसके वहाँ नहीं बच पाया, मैंने लाया था, लेकिन अभी भाई कंफर्म नहीं है, खा लिए कि गाभी ने। ओके, तो वो फार्म है, बकरों के साथ ही है ना? हाँ, बकरों के साथ है, अभी तक हिट पे आई नहीं है। हाँ, मेरे वहाँ खाली बोलेंगे ना? खाली बोलेंगे, खाली। शाइनिंग वगैरह अच्छी है, बकरी काफ़ी हेल्दी है माशाल्लाह। इसकी हाइट होगी 38 होगी? 37 है, 37। बाकी फुल हेल्दी है, एक्टिव है।
ये अपने को भी ले जाएगी घसीट के भाई। फुल साइज की बकरी है भाई, आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलती है। सही है, ये कितने में देने का अपने को? ये अपने को 32 में देने। 32? हाँ, 32,000 रुपये मांगे दोस्तों। प्योर पंजाबी है भाई, बहुत बड़ी बकरी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी बकरी है। फुल सेट थन भी देख सकते हैं आप, दोनों सही हैं, एक थोड़ा बड़ा छोटा है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा भाई, बांध दो इसको। सो अभी जो भी इनकी ब्रीडिंग सेटअप की बकरी है वो दिखाएंगे हम लोग। कान कितने आएंगे अल्तमस भाई इसके? भाई 16.5 इंच कान है। 14.5 के? 16.5 इंच कान है। 16? हाँ, वो बोला इतने बड़े कान है, 14.5 बोल रहे। फुल गुलाबी में है? गुलाबी में। ये हाईपेड बकरी है भाई, कोई बोलेगा नहीं। हाँ, आप चाहते तो आप भी हैदराबादी बोल के बेच देते थे। नहीं, ये हाईपेड बकरी है, पंच फेज आप देखो, नॉर्मल आइज है, नॉर्मल आइज है, पंच खाली है, बच्चा दी थी लेकिन अभी ये खाली है। अभी खाली है, उसके थन भी दिखा देता हूँ एक बार। कोई भी ब्रीडिंग सेटअप के लिए लेना चाहे ना, बहुत अच्छी कान वान का आप देखो, शेप देखो भाई, जैसे हैदराबादी प्योर में होना चाहिए ना वैसे ही है। बकरी हाईपेड है लेकिन एकदम जैसे कान चाहिए वैसा है, जड़ से खुले कान है, जड़ से खुले कान, 16.5 के कान है। और चकलान कितनी है? 6 की चकलान, 6 की है। हैदराबादी पे आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ, हैदराबादी के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से, कोई हैदराबादी वाला ही ले तो अच्छा है। कलर देखो आप, व्हाइट बहुत ज्यादा है, दोनों थन में दूध आ रहा है ना, दोनों थन सब चीज में परफेक्ट है। बड़ा छोटा दिख रहा है, शायद निकाले नहीं इसके लिए। हाँ, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा है लेकिन दूध एकदम सही आ रहा है, दूध एकदम दोनों में सही है। दिखा देता हूँ, वो बच्चा है ना अपने पास, वो पीता है भाई, बराबर है, दोनों में परफेक्ट दूध है। हाँ, अभी जितनी बकरी है सबका पीता है, वो 4 बकरी का पीता है, 4 बकरी का एक बकरा दूध पी रहा है। चलेगा, इसको बांध दो अभी। ये पहली बकरी इनके ब्रीडिंग सेटअप की, दूसरी दिखाते हैं। ये दूसरी बकरी बहुत नायाब चीज है, ये कुछ अलग ही है, 3 थन की बकरी, 3 थन के, और तीनों पे भरपूर दूध है, भरपूर दूध है। इसको मैं बच्चा लाया था अपने लिए। हाँ, अपने यहाँ 2 बच्चे दी थी इसने। हाँ, अभी तो फिलहाल वापिस गाभिन है 1.5 महीने की, कंफर्म बोल के दोगे? कंफर्म गाभिन है, वीडियो मिल जाएगी आपको ब्रीडिंग की। हाँ, 1.5 महीना है भाई। कौन से बकरे से गाभिन? ये इससे गाभिन है, 22 इंच। अच्छा, 22 इंच से गाभिन। हाँ, इसके कान कितने हैं? इसके कान 16 इंच, 16 अंदर से पूरे गुलाबी है, पूरा 5.5 की चकलान है। हाँ, 6 की चकलान, 6 की। इसके थन मेरे को बहुत यूनिक लगे। हाँ, मैंने शायद ही ऐसे थन देखा हूँ। हाँ भाई, होते हैं लेकिन क्या होता है, छोटा रहता है। ये अपन बच्चा लाया था, अपने को खुद नहीं मानता कि ऐसा निकलेगा, वो तो अल्लाह की कुदरत है। एक बार कान पकड़ो तो मैं दिखाता हूँ, ये तो अल्लाह की कुदरत है। और तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर, एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा आता है, वो बच्चा पिया है ना इसीलिए ऐसा लग रहा है। वाह, ये भी दे दोगे कोई मांगेगा तो? दे देंगे। ये ब्रीडिंग सेटअप की बकरी है दोस्तों, अल्तमस भाई का जो पर्सनल ब्रीडिंग सेटअप है उसकी कुछ बकरियां बेचनी है। चलेगा, इसको बांध दो और अब तीसरी बकरी दिखाते हैं। ये भी एक बहुत नायाब बकरी है, फुल वाइट के अंदर है, बिल्कुल वाइट है, फुल वाइट है, वाइट आइस। ये हाईपेड में है? हाईपेड है भाई, हाईपेड। लेकिन कान बहुत अच्छा है आपके, कान पूरा खुले कान की है, हाईपेड है, सिंग से लेके सब कुछ गुलाबी है, कान भी परफेक्ट है। और अभी ये 2 दांत लगाई है। अच्छा, मैं बहुत अच्छी आगे तक चलेगी। हाँ, और इसने पहली बार में 2 बच्चे डाली थी, अब गाबन है, खाली है, अभी खाली है, तो अच्छा ही है जिसको भी चाहिए। कान कितने आ जाएंगे? 15.5 पकड़ो भाई, 15.5 भाई, 15 और चकलान 5, 5.5 6 की चकलान है, जिसको चाहिए रहेगा अपन माप के दे देंगे, बराबर। तो ये भी आपके ब्रीडिंग सेटअप की बकरी। हाँ हाँ, बांध दो इसको। फर्स्ट टाइम में इसने 2 बच्चे डाली थी, ठीक है, और अभी खाली है, अभी फिलहाल खाली है ना, मतलब बन की तो गारंटी है क्योंकि एक बार बच्चे डाल दिए। ये भी होम ब्रीड की है, ब्रीडिंग सेटअप की। ये उसी की बहन है, उसकी डायरेक्ट बहन है। व्हाइट आईज और कान होंगे 14.5 इसके, 14.5-15 इंच, 14.5-15 के कान है। कान परफेक्ट दूध आ रहा है इसको, मतलब बच्चा दिए रिसेंट में, ये अभी 15 दिन हुआ बच्चा दी थी, तो अभी इसको खाली ही बेचना है अपने, खाली खाली है ना। इसकी आंखें भी तिरछी आंखों में, तिरछी आंखों में, नस्ल वाली आंखें। हाँ, ये भी 2 दांत पे, 2 दांत पे है। हाँ, खाली बकरी है दोस्तों, दूध फुल है, कोई लेना चाहे, हाइट पैड बकरी है, वाइट आइज, ये भी दे देंगे है ना। इसने 2 बच्चे दिए, इसने 1 दी थी और उसने 2 दी, 2 दी। चले, मान दो भाई इसको। ये वो बकरा है जिससे बकरी ब्रीड हुई। ये बकरी ब्रीड हुई है। कान देखो ना, बाप रे बाप, 20 के ऊपर कान है इसके, 22 इंच कान, 22 है ना।
पंच फेस पे, इसका काफ़ी रिजल्ट लिए हो आप? हाँ भाई, इसका रिजल्ट आपने लिए है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम। 22 इंच कान? हाँ। जा कान खोलो ना जरा भाई, इसका रिजल्ट ऐसा है ना, मैंने इसके बच्चे हैदराबाद के लिए भाई लोग आके खुद लेके गए अपने पास से। ये कौन सी लाइन का बताएंगे क्या? नहीं मालूम भाई अपने को, ये अपना नसीब से आ गया ऐसा। हाईपेड पे इसका बच्चा गया है कंपटीशन में हैदराबाद, कंपटीशन में उतरा है। हाँ, फीमेल हाईपेड नर ये लगा था और बच्चा बहुत जबरदस्त आया था। पंच में आंखें भी वैसी है तिरछी वाली, कान 22 के है। चकलान कितने है? 8 होगी। 8 है। कलर भी अच्छा, अबलग बोले ना, भरमार अबलग, नासी अबलग भी बोल सकते हैं। सही, हाइट वगैरह का भी अच्छा। तो ये देना है, नहीं देना? नहीं, नहीं, नहीं। ये रखो, खाली दिखा रहे कि वो बकरी इससे लोड है। चलो, वीडियो किसी को चाहिए तो मिल जाएगा लोडिंग। ये सब देना है ना, हो गए, कंप्लीट हो गए ना। हाँ। मारने भी आ रहे लो। सुल्तमस भाई अपने होम ब्रीड की भी कुछ बकरियां दे रहे हैं, जिसको भी चाहिए इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट करें। बाकी बकरियों का तो रेट बताएं आपने, एक बार आपका नंबर बोल दे लोगों को। 7666123542। अगर किसी को देखने आना है तो कहाँ आना पड़ेगा? नागपाड़ा सागर होटल सिग्नल पे आएंगे तो मेरे को कॉल करोगे तो पिकअप कर लो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनके शौक की बकरियां सब, जिसको भी चाहिए ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। अच्छे नस्ल के बकरे से लोड भी है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलामुअलैकुम।